हेलो माय डियर फ्रेंड, कल शाम को जब मैं यूट्यूब पे जीरो मूवी का ट्रेलर देख रहा था और ट्रेलर में जब तुम्हारे फेवरेट बौआ बने शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना तो मेरी यादों की स्क्रीन पे तुम्हारी मस्ती वाली और नोटोरियस हंसी की झलक दिखाई दी। शायद काफ़ी समय हो गया था बात हुए, फिर क्या था, मैंने तुरंत तुम्हारा नंबर डायल किया और फ़ोन आंटी जी ने उठाया। फ़ोन पे आंटी जी ने जो बताया उसे सुनकर मेरा मन काफ़ी परेशान हो गया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से तुम अब तुम नहीं रहे थे, तुम बदल चुके थे। हर वक्त खुश, चीयरफुल और एक्साइटेड रहने वाले तुम अब उदासी से दोस्ती कर बैठे थे। और तो और, तुमने अब खुशी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजना छोड़ दिया था। तुम जो हर वक्त पॉलिटिक्स और ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करने वाले तुम और डिबेट में सबको बीट करने वाले तुम आज एक अलग ही इंटरनल डिबेट में उलझे लगते हो। अपनी हर असाइनमेंट को टाइमली पूरा करने वाले तुम आज ये भूल जाते हो कि गाड़ी के ब्रेक जिब्रा क्रॉसिंग से पहले लगाने होते हैं। आंटी की आवाज़ भर्रा गई ये कहते हुए कि तुम अपने आप को वर्थलेस और धरती पे बोझ मानने लगे हो, जैसे कि तुम अपनी ज़िंदगी काट रहे हो। तुम्हारे सुसाइड करने की कोशिश वाले इंसिडेंट्स ने तुम मुझे डरा ही दिया था। कोई चाहत कोई चाम नहीं है तुम्हारी लाइफ में। एक साइकेट्रिस्ट दोस्त ने मुझे बताया कि ये डिप्रेशन है और मुझे ये भी बताया कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, बस देरी है मेरे दोस्त इस बारे में बात करने की। सो लेट्स टॉक माई फ्रेंड, आई एम श्योर मुझे मेरा पुराना चार्मिंग फ्रेंड और अंकल आंटी को अपना वही चहचहाता बच्चा वापस मिल जाएगा। क्योंकि दोस्त, तुम जिंदगी काटने नहीं, जिंदगी जीने आए हो। लेट्स टॉक।